शासन चोर है, चोर है, चोर। पत्रकारों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पत्रकार एकता, जिंदाबाद। पत्रकारों के साथ प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया आज जालौन जिले में देखने को मिला। जब सीएम योगी के जनपद आगमन पर प्रशासन द्वारा नहीं जारी किए गए पास, प्रशासनी मिली भगत के चलते चहेते पत्रकारों के ही बनाए गए पास, अधिकार पत्र जमा होने के बावजूद नहीं जारी किए गए अन्य पत्रकारों के पास, प्रशासन द्वारा कमियों को छुपाने के लिए खाकी के आकाओं ने किया गड़बड़ झाला। पत्रकारों में प्रशासन के खिलाफ दिखा जबरदस्त आक्रोश। मौका है जब पत्रकारों को मुख्यमंत्री की के किसी कार्यक्रम में अधिकांश बड़ी संख्या में पत्रकारों को पास न जारी करके उन्हें सम्मिलित होने से रोका गया। क्या कारण लगता है कि जिलाधिकारी ने इतनी बड़ी अनदेखी की है पत्रकारों की? जो इसकी चयन प्रक्रिया रही उसका कोई मानक नहीं रहा कि किस आधार पे, क्योंकि उसमें तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके नाम लोग नहीं जानते हैं, उनको उनका किस मानक के आधार पे चयन हुआ, कैसे उनको पास जारी कर दिए गए। और इसमें कई न्यूज एजेंसी हैं जैसे पीटीआई हो गया, यूएनआई है और हिंदुस्तान समाचार एजेंसी है, उनके भी लोगों को नहीं दिया गया। दादा कहीं ना कहीं प्रशासन का अलिया रवैया नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है, हमें कालपी के पत्रकारों ने बताया ऐसा हमेशा होता रहा है कि जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है इतु समाज को जानना चाहिए, वहाँ तीन दिन पहले से इमरजेंसी सी लगा दी गई है, किसी को वहाँ पे पीटीसी में जाने नहीं दिया जा रहा। भाई पत्रकारों को जाने तो दो, कैसे काम चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, इसको पब्लिक जाने। तीसरी बात यह है कि भाई अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जनहित के काम हो रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएं। ये इसको उन लोगों को जानने से वंचित किया गया है, इतने बड़े पत्रकारों को रख गया है। कहीं ना कहीं जो 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 ये मुख्यमंत्री का जो समाज के प्रति जाना चाहिए था, मैक्सिमम उसमें एक धारणा सरकार की रहती है उसको रोकने का। जरा कहीं ना कहीं चुनिंदा पत्रकारों को प्रेस जारी किए गए 18 पत्रकारों को, कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई खामियां मतलब नजर आ रही हैं इसमें? अब आप देखिए सबसे बड़ी बात हो, चाहे जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे कोई किसी भी पत्रकार को एक एक पास दिया गया, जबकि फोटोग्राफर को नहीं दिया गया है उनके। अब बिना फोटोग्राफर के कैसे रिपोर्टिंग होगी, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। अगर बात किया जिलाधिकारी की तो ये पहले से भी चर्चित रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के मुख्य विकास अधिकारी भी रहे हैं उस समय, और दूसरी बात ये लालू प्रसाद मैटर में जज के सिफारिश करने में भी चर्चा में रहे हैं। और हमारे लोगों का कहना ये है कि पत्रकारों का मामला था, ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों को अगर शामिल करते तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचती लोगों तक बात, उसको वंचित करके मुख्यमंत्री का जो एक कार्यक्रम है जिसको सार्वजनिक तौर पे सब जगह जाना चाहिए, उनके कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने की कोशिश। इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रमों में भी जो है पत्रकारों के प्रेस कार्ड जो है जारी नहीं किए जाते हैं, ये गलत बात। सारी तरीके की उसकी मान्यताएं हैं, पत्रकार भी उसकी मान्यता प्राप्त है। दूसरा दैनिक अग्निचरण है जो 1986 से निरंतर प्रकाशित हो रहा है, उसकी भी सभी तरह की मान्यताएं हैं। दोनों स्थानीय दैनिकों के किसी पत्रकार को पास नहीं दिया गया, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। पीटीआई जो देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, उस पीटीआई के संवाददाता अशोक पुरवाल जी को पास नहीं दिया गया। हमें समझ में नहीं आता कि क्या नीति, क्या मानक का पालन, कुछ बहुत ही अज्ञात कुलसील के हम लोग नहीं पहचानते जिन्हें कि वो पत्रकार हैं या नहीं, उनको किसने आइडेंटिफाई किया कि वो पत्रकार हैं, उन लोगों को पास जारी किए गए हैं। ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छे कार्यक्रम चला रही है सभी वर्गों की भलाई के लिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो और जनता में उसका प्रभाव पड़े, जन समर्थन प्राप्त हो सरकार को कई नीतियों और कार्यक्रमों के लिए। लेकिन इस ढंग से जो असली पत्रकार हैं, जिनका जिन अखबारों का सर्कुलेशन है, जिन मीडिया के जिन चैनलों का, जिन पोर्टल का वो लोग देखते हैं, उन्हीं के जब पत्रकार वंचित कर दिए गए तो हम समझते हैं इससे ज़्यादा भेदभावपूर्ण भी नहीं है और ये सरकार के साथ में भी एक तरह से साजिश हुई है। आप शर्मा जी आप बता रहे हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखें।